हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं भी आपकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरा मंदिर देख लीजिए कि ऐसे भगवान हैं, मैं इनको क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो पहले पूरे भगवान को हटा के हमें साइड पे अलग जगह पे साफ जगह पे रखना है, उसके बाद मंदिर की क्लीनिंग करनी है और फिर सब भगवान जी लोगों को ऊपर से विराजित करना है। तो ये रहा मंदिर, तो मैं सारी चीजें हटा देती हूँ। और मैं सिंहासन सहित हटाती हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो भगवान लोगों को। और इस तरीके से मैं हटाऊंगी। फिर से भगवान जी लोगों को हटा दिया है, अब हम इसे डस्टिंग करेंगे और पॉलिश करेंगे। तो मैं इस कपड़े से इसकी डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे पूरे फ्लोर को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इससे ही पॉलिश कर रही हूँ। तो मैं इससे स्प्रे कर देती हूँ, फिर इसे वाइप कर देती हूँ। पूरे दांत क्लीन हो जा रहे हैं, कोई भी स्टेन नहीं है इसमें। अब मैं ये झरोखा क्लीन कर दे रही हूँ स्प्रे से। पूरे अंदर के डस्ट भी निकल जाने चाहिए। मंदिर को हम बाहर से भी क्लीन कर लेते हैं, डस्ट कर लेते हैं। और इसमें मैंने पॉलिश डाल लिया है पहले से। सो फ्रेंड्स, मंदिर के ऊपर भी मैंने डस्टिंग कर दी है और पॉलिश भी कर दिया है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है। हमने इसके शिखर को हटा के क्लीन किया था, तो अब हम इसके शिखर को वापस प्लेस कर देते हैं मंदिर पे। तो ये देखिए कैसे मैंने शिखर को प्लेस किया है। तो ये प्लेस हो गया वापस पहले जैसे। सो अब मैंने मंदिर को क्लीन कर लिया है और मैंने क्लीन क्लोथ इस पे बिछा दिया है। तो अब हम इन पे भगवान जी को विराजित करेंगे, बट उससे पहले हम सिंहासन को विराजित कर देते हैं। ये हमारे राधे कृष्ण का सिंहासन है, ये मैं विराजित कर देती हूँ इधर। उसके बाद भोग लगाने का, फिर इसके बाद हम सब भगवान जी लोगों को विराजित कर देंगे। तो मैं दिखाती हूँ भगवान जी लोगों को विराजित करने के बाद ये मंदिर कैसा लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने भोग लगाने की चौकी भी रख दी है और राधे कृष्ण का सिंहासन भी रख दिया है। और अब हम सारे भगवान जी की तस्वीर लगाते हैं, उसके बाद सारे भगवान जी की विग्रह लगाएंगे। तो भगवान जी को मैं विराजित कर रही हूँ और हमने भगवान जी को क्लीन कर दिया था पहले ही, मंदिर क्लीन करने के पहले। तो ये रहे कान्हा जी। तो अभी और धीरे धीरे करके मैं लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। क्लीनिंग के बाद सारे भगवान जी को मैंने विराजित कर दिया है, उनकी चौकी लगा दी है, गौ माता रख दी है, कछुआ महाराज रख दिया, उनके चरण सब कुछ रख दिया है। कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान लोग नए नए साफ साफ मंदिर में। और इस तरीके से मैंने मंदिर क्लीन किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको दिखे कि मैंने कैसे मेरे मंदिर को क्लीन किया है और मैं मंदिर को कैसे क्लीन करती हूँ। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।